नहीं जने तो ऐसा जन जैसो महाराणा प्रताप, जननी जने तो ऐसो जन जैसो महाराणा प्रताप। और अकबर सूतो ओज के जिया सिराणे, इलान देनी आपनी महालरियो हलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई। हमारे राजस्थान की गौरव भरी एक परंपरा थी, कुछ सदियों पूर्व माँ अपने बच्चों को पालने में यह शिक्षा देती थी कि चाहे कितना भी बड़ा आतंकारी यहां पर क्यों ना आ जाए इस गौरवशाली धरा पर, उसको एक इंच भी धरती मत देना। अगर कुछ करना है, अगर कुछ त्यागना है, अगर कुछ देना है तो अपने प्राण देकर मेरे गौरव को बढ़ा देना। उसी परंपरा को मेवाड़ी वीर सिसोदिया महाराणा प्रताप लेके चले। बोले महाराणा प्रताप की चेतक आ रहे हो, महाराणा प्रताप भी आ रहा है, आने दो उनको, आने दो। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कथे, मायण थारो वो भूत कथे, वो एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो वो महाराणा प्रताप कथे, मायण थारो वो भूत कथे, वो एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे, महाराणा प्रताप कथे, महाराणा प्रताप कथे। बाचो हाँ इतिहासा में मायण था एड़ा भूत जण्या, मायण थे एड़ा भूत जण्या, मायण थे एड़ा भूत जण्या, धन पान लजायो नी थारो रणवीरा में सरदार बण्या, रणवीरा में सरदार बण्या, रणवीरा में सरदार बण्या, तेरा रे मनसूबा दीला, ताली बजाओ तो बताऊं आगे। देखो योद्धा भी बहुत हुए, बहुतों ने अपने शीश कटाए, बलिदान दिए, पर महाराणा प्रताप सभी के वीरों का नाम इस धरती पर अखंड और अमर क्यों है? क्योंकि वीरता के साथ साथ उन्होंने धर्म गौ और गौरव के लिए और अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने महल और चौबारों को छोड़कर जंगलों में रहना भी स्वीकार किया, पर कभी घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर मुगलों की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। रानियां भी बहुत हुई इस धरा पर, बहुत सी रानियों ने अपने बलिदान दिए, पर माँ पद्मावती का नाम इस धरा पर अमर क्यों है? अगर माँ पद्मावती और 16,000 रानियां उस समय दिल्ली जाती मुगलों के साथ, तो आज हम लोग यहां पर अपनी नाख लेके चल नहीं पाते। मेरी आने वाली पीढ़ी को कभी किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े, और मेरी आने वाली पीढ़ी गर्व के साथ ये कह सके कि मैं सतियों की संतान हूं, और मेरे राजस्थान में, मेरे भारत में ऐसी गौरवशाली इतिहास को पैदा करने वाली रानी पद्मावती माता जैसी हुई है, उस गौरव को जिंदा रखने के लिए वो 16,000 रानियां एक साथ अग्निकुंड के प्रवेश कर गए। उठाए एक बार दोनों हाथ जो इस बात को मानता है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में,
हल्दी घाटी में शीश कटा और खून बहा था नालों में, तब जय ओमकार करके शिव बैठा था शिवालों में, तब जय ओमकार करके शिव बैठा था शिवालों में। मैं बाचो हाँ इतिहास में मायड़ थे एड़ा पूत जना, मायड़ थे एड़ा पूत जना, मायड़ थे एड़ा पूत जना, धनपान लजायो नी थारो रणवीरा में सरदार बना, रणवीरा वे सरदार बना, रणवीरा वे सरदार बना, मेरा रे मनसूबा दीला, मेरा रे मनसूबा दीला, सारा पड़ गया उन रे आगे, झुको नहीं नर नारियो अकबर री सेनारे आगे, अकबर की सेनारे आगे, अकबर री सेनारे आगे, हिंदुआ सूरज में वार रतन, हिंदुआ सूरज में वार रतन, वो महाराणा प्रताप कठे, मायड़ थारो वो। अगर आप लोगों के जयकारे और जोश मुझे लगे आज तो मैं कह दूं कि वो महाराणा प्रताप बैठे। अगर आप लोगों की इच्छा है तो पहले मंच से बोल देते हैं महाराणा प्रताप बैठे, पर आप लोगों में वो जोश होना चाहिए, लगना चाहिए कि महाराणा प्रताप की चेतना आपके हृदय के अंदर जाग चुकी है। रविंद्र साज से शुरू करता हूं मैं, आपको बोलना है महाराणा प्रताप बैठे, वो महाराणा प्रताप बैठे, वो महाराणा प्रताप बैठे, वो महाराणा प्रताप अठे, वो महाराणा प्रताप अठे, वो महाराणा प्रताप अठे। अब हो जाए एक बार दोनों हाथ उठा के, ओ हिंदुआ सूरज में वार रतन, महाराणा प्रताप बैठे, महाराणा प्रताप बैठे, महाराणा प्रताप बैठे। और ओम मनासा के पावन सत्संग में और राम नवमी की पूर्व संध्या में ये सीना ठोककर आप लोगों के बीच में बात कहता हूं, अपने धर्म और धर्म गौरव और गौ के लिए, कि इसी के हित को जिए मरेंगे, इसी के हित को जिए मरेंगे, धर्म के हित को जिए मरेंगे, कहते सीना दार भारत तुझे प्रणाम, 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 भारत पदवी गौरव भारत तुझे प्रणाम, सबके अंदर राम, भारत तुझे प्रणाम, सबके घट में राम, भारत तुझे प्रणाम, सबके घट में राम, भारत तुझे प्रणाम, भारत तुझे प्रणाम, भारत तुझे प्रणाम। भारत माता की।